खुदावन के बाबरकत और जलानी नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नाजिश है, नाजिश फ्रॉम क्वेटा। तो आज मैंने एक क्लिप देखा नेट पे जो पास्टर गजाला शफीक का था कि लोग कह रहे हैं कि आप इसको प्रमोट कर रहे हो, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बल्कि सबको एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम लोग मेरे जैसे जब डांस करते हैं, जब कोई वाहियात काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, तब तो उनके लिए कोई नहीं उठता, तब उनको कोई नहीं संभालता, तब उनको कोई नहीं देखता कि ये खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, तो कोई नहीं देखता। तो जब आज एक खुदा की बेटी मैदान में आई है और हमें ये बताने के लिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदावंद का मंसूबा क्या है, खुदावंद ने हमें किस लिए पैदा किया है और वो खुदावंद हमसे चाहता क्या है, तो आज लोगों को इतनी टेंशन हो रही है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्टर गजाला शफीक जो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, तो उनकी बदौलत आज क्वेटा में मेरे घर पे चर्च है, मेरे घर पे चर्च है, और मेरे जैसे कई गुनाह से बहुत दूर हैं, गुनाह से कोसों दूर हो गए। पास्टर गजाला शफीक ने खुदावंद का वादा पूरा कर लिया, खुदा ने जो हम जैसों के साथ वादा किया हुआ है कि मैं अपना बेटियों और बेटों से अव्वल दर्जा दूंगा, वो वादा पूरा कर रही है। तो प्लीज़ खुदा की बेटी को खुदा का वादा पूरा करने दें। आप लोगों ने किसने हमें तालीम दी? किसी ने हमें इस चीज़ की तालीम नहीं दी कि खुदावंद का मंसूबा क्या है हमारे लिए। आज अगर वो निकली है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि खुदा से हमारी भी दोस्ती होने दें। खुदा हमें भी प्यार करता है और खुदा ने हमें भी बनाया है, और आज मेरे जैसे कई खुदावंद से बहुत प्यार करते हैं और गुनाह से कोसों दूर हैं। और इसका सेहरा जाता है पास्टर गजाला शफीक को, जिसने कलाम खोल के हमें बताया कि खुदावंद हमसे चाहता क्या है। और आज हम लोग खुदावंद में हैं और उसकी पास्टर शफीक की वजह से आज हम खुदावंद के इतने करीब हैं कि आज हम गुनाह में नहीं मरेंगे, वरना हम लोग यहाँ रह जाते और अच्छे लोग सारे आसमान की बादशाही में चले जाते, और हमें तो कोई तालीम दी नहीं थी किसी ने। 40 साल मुझे तो किसी ने कोई तालीम नहीं दी, नहीं निकाल के बताया, कोई हवाला निकाल के नहीं बताया कि बाइबल में हमारे लिए क्या लिखा हुआ। तो आज मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है। वो सुकून इसलिए है कि आज मेरी ज़िंदगी में पास्टर गजाला शफीक है, मेरे यहोवा यरी है, और मेरे बाप बेटा रूल कुदुस मेरी ज़िंदगी में है, और रूल कुदुस की रहनुमाई से हम बात करते हैं, रूल कुदुस की रहनुमाई से हम ज़िंदगी गुजारते हैं, और पाक रूह को और यस्सु के पाक लहू को रोज़ अपनी बॉडी पे मांगते हैं, अपने ज़ेहन पे मांगते हैं। और हम कहते हैं कि हम अभी अपनी ज़िंदगी खुदावंद की मर्ज़ी से गुजारेंगे और पाक रूह की हदायत से गुजारेंगे, और हम सब मेरे जैसे सब यही चाहते हैं कि हमारी जो बकाया की ज़िंदगी है वो हम यस्सु का पैगाम दें लोगों को, और यस्सु का बताएं लोगों को कि यस्सु ने हमें भी चुना और यस्सु हमें प्यार करता है। और थैंक यू सो मच, और मुझे फ़क्र है अपने यस्सु पे, उसके पाक लहू पे, कि वो अभी हम जैसों में काम कर रहा है, और वो हमसे प्यार करता था और हमें पता ही नहीं था, तो ये पास्टर जी ने बताया हमें। और खुदावंद में बहुत सुकून है, और अभी हम सब बहुत सुकून में हैं, और अभी हम अबलीस हमसे कोसों दूर है, शैतान हमसे कोसों दूर है, शैतान का मुकाबला करने की हिम्मत आई है हम में, और अभी हम गुनाह से पाक हैं। थैंक यू सो मच, और खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकतें दे, और खुदावंद आपको तौफीक दे कि प्लीज़ अगर कोई खुदा से हम जैसों की दोस्ती करवा रहा है तो उसके लिए इतनी गंदी बातें और ऐसी बातें ना करें, इसलिए कि वो खुदा का वादा पूरा कर रही हैं।
वो खुदा की तालीम दे रही हैं हमें और हमें गुनाहों से पाक कर रही हैं, क्योंकि यस्सु का लहू हमें गुनाहों से पाक करता है। थैंक यू, आमीन, गॉड ब्लेस।